हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त एसएसएम फाउंडर एंड सीएम गेट नब्स अकेडमी एंड एचओटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्मार्ट स्किल एजुकेशनल कंसल्टेंसी। दोस्त, आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक में बात करने आया हूं, वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो। आज जो आपकी सबसे बड़ी जो समस्या है, जो आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो आपके मन की जो बात है, वो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि मैं 12th के एग्जाम देने जा रहा हूं, मैं 12th, 10th के एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरी परसेंटेज कैसे अच्छी आएगी, कैसे क्या होगा। तो जो परसेंटेज जब ही अच्छी आएगी, जब उससे पहले आप कुछ काम करोगे, कुछ वर्क करोगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने भी 90+ परसेंटेज 12th में पाया है, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स वो भी 90+ परसेंटेज पाया है। तो आपको जो जो बातें मैं कह रहा हूं, अगर आपको उन चीजों को अगर आप फॉलो अभी से करना आप स्टार्ट कर दोगे, तो डेफिनेटली श्योर है कि आपको 90+ परसेंटेज मिलेंगे मिलेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, नंबर वन बात है कि आप क्या करें, जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, जो भी मार्केट में मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, चाहे आप जहां भी अकेडमी हो, जिस भी अकेडमी में आप क्लास ले रहे हैं, कहीं भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसके मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने का जो भी आपके टीचर्स हैं उनको आप दिखाइए, वो आपको उनको देख करके आपके बारे में एनालाइज करेंगे कि आपकी कितनी परसेंटेज आपकी हो रही है। अगर आपकी परसेंटेज लग रहा है कि मुझे मेरी परसेंटेज ये कम है, मुझे और भी इंक्रीज करना चाहिए, तो आप ये देखो जिस एरियाज में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, जिस टॉपिक्स में आपके नंबर कट रहे हैं, उस टॉपिक्स को एक बार फिर से एक टाइम आए, एक बार वो फिर से मौका आपके सामने है कि उस टॉपिक्स के जो भी आपके टीचर्स या क्लास नोट्स हो, या जो भी आपके टीचर्स जो भी चीजों को पढ़ाया है, आप उन नोट्स को जाकर के एक बार फिर से उसको रिवाइज करो। और गारंटी के साथ कह सकता हूं, जैसे आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट पेपर करने के बाद आपके दो रीजन सामने आते हैं। जैसे आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, तो एक तो आपके जो क्वेश्चन सही होते हैं उसका आपको पता चल जाता है कि मेरे इस टॉपिक से ये क्वेश्चन मेरे सही जा रहे हैं, या मेरे इस टॉपिक से मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड थिंग ये पता चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके मान के चलो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, आपके इसके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, चाहे फिजिक्स के किसी टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसको फिर से जाकर के क्लास नोट्स को या टीचर से जाकर के, अभी एक ऐसा टाइम है, अभी आप एक 1-2 वीक में आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से 1 वीक के अंदर आप किसी भी टीचर से जो भी आपको जहां पढ़ रहे हैं उनके साथ बातचीत करके उनके साथ आप आसानी से उसको समझ सकते हो। ये आपको बहुत ही बूस्ट करेगा आपके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप उसको टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए, उसको एनालाइज करिए, जहां जहां आपके मार्क्स कम आ रहे उसको अपने आप को आप क्या करिए, उसको कोशिश कीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आपको इसके रिगार्डिंग आप कुछ और भी क्वेश्चन हो मेरे लिए, मेरे से पूछना चाहते हो आप, तो आप मेरे YouTube चैनल के जस्ट कमेंट बॉक्स में जाएं, या फिर इसमें आप जाकर के नीचे वीडियो के ठीक नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल नब्स अकेडमी टीम आपके सामने हमेशा बनी रहती है, जब भी क्वेश्चन पूछना हो तो आपको हमेशा वो जवाब देंगी, और आपकी डेफिनेटली है जो आपको हेल्प होगी, और मैं भी आपको हेल्प कर रहा हूँ। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्रिकेट बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।